आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, प्रभु के वचनों से पढ़ेंगे और पवित्र जीवन जीने के बारे में हम सब लोग सीखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वह बहुत ही जल्दी है। बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए फिर से संसार में आने वाले हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार से गए थे तो उन्होंने वायदा किया था कि वो आएंगे और फिर से हम सबको लेकर जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्या करने गए हैं, वो हमारे लिए घर बनाने गए हैं स्वर्ग में, हम सबके लिए मकान बनाने गए हैं। और वो मकान इस पृथ्वी का मकान नहीं है, जैसा कि हम सब लोग इस पृथ्वी में रहते हैं जो घर हैं, ऐसा घर बनाने के लिए नहीं गया है प्रभु यीशु मसीह। हम सबके लिए चिरस्थाई घर यानी कि अनंत काल तक के लिए जो हम जहाँ रहेंगे वैसा घर बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह गए हैं। तो अब हम सब लोग जो अभी इस समय हम जी रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, हम सब लोग क्या करेंगे, हम इस संसार में नहीं रहेंगे, हम इस संसार से जाएंगे और हम स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घर बना रहा है। और वो घर कहाँ है, स्वर्ग में है। और वहाँ पर जाने के बाद हमारे जीवन में कोई दुख और परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी। आज हम बीमारियों में पड़े हैं, हमारे शरीर में दिक्कत होते हैं, फोड़ा फुंसी होता है, बुखार, खांसी, जुखाम, बड़े बड़े कैंसर, ये सब बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है, मनुष्य को बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, वो हमें लेने जब आएंगे और हमें लेकर जिस जगह जाएंगे वहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं होगी, फोड़ा फुंसी नहीं होगा, बुखार, खांसी, जुखाम, ये कैंसर, टीबी, ऐसा कोई भी बीमारी वहाँ पर नहीं होगा। तो उस जगह जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको तैयार होने के लिए कहा है, ताकि हम सब लोग तैयार हो जाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पर तो उस समय हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ ना रहे, हम प्रभु यीशु के संग जाएं, यही प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए चाहते हैं। तो हम सबको क्या करना है, एक अच्छा जीवन जीना है। अगर आपको उस घर में जाना है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं और जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें रखना चाहते हैं, उस घर में अगर आपको जाना है तो आपको पाप रहित जीवन जीना होगा, पवित्र जीवन जीना होगा। केवल बोलने के लिए नहीं है, खाली मसीह बनकर रहने से आप उस घर में नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए कि आप सिर्फ चर्च जाते हो और सिर्फ अपने आप के नाम के आगे पीछे मसीह लगा लेते हो तो इससे आप उस घर में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानना पड़ेगा और संसार की बुरी चीज़ों से अपने आप को दूर रखकर चलना होगा, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। प्रभु के वचन पर चलने के लिए हमें बहुत कुछ अपने जीवन में बदलना है, बुराइयों से दूर होना है और ये सब बातें हमें करने हैं, तभी हम जाकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रह पाएंगे। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को कुछ वचनों के द्वारा समझाऊंगा कि जब हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होते हैं तो किन किन बातों से हमें दूर रहना है, किन किन बातों को हमारे जीवन में परखना होगा, देखना होगा और उन बातों को अपने जीवन से निकालना होगा। जैसे कि हम सब लोग नीति वचन को अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए। तो मैं आज आप नीति वचन में से कुछ आयतों को आपके लिए पढ़कर बताऊंगा कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए किस प्रकार का होना चाहिए। तो नीति वचन उसका 4 अध्याय के अगर हम 14 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, दुष्टों की राहों पर पाँव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। देखो, अगर आपको स्वर्ग वाले घर में जाना है, अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको रहना है, तो ये संसार में रहते हुए दुष्ट के जो राह है, जो उनके मार्ग है, उस पर पांव भी आपको नहीं रखना है, उनके मार्गों पे चलना भी नहीं है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि दुष्ट लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं और उनकी संगति करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टों से, पापियों से प्यार करने के लिए कहा है, लेकिन पापियों के साथ संगति करने के लिए नहीं कहा है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि बुरे लोगों के मार्ग पर भी आपको नहीं चलना होगा। अगर आप अभी भी बुरे लोगों के मार्ग पर चलते हैं, दुष्टों के साथ चलते हैं, तो फिर आप उस स्वर्ग के घर में नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए देखिए, अपने जीवन को परखिए, खाली कहने से नहीं होता है, मसीहत में चलना बहुत ज़रूरी है। केवल आपके नाम के आगे पीछे 2-4 बार मसीह लगा देने से थोड़ी आप स्वर्ग चले जाओगे, आपको अपने जीवन को परखना होगा। बाइबल के वचन के अनुसार आप चलोगे तभी आप जा पाओगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनके वचन के अनुसार जीवन जिए। और इसी में अगर हम 15 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चलें, उनके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। दुष्ट लोगों के साथ चलने की तो बात छोड़िए, मार्ग पे भी नहीं जाना, प्रभु कहता है ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी उनके जैसा बन जाएंगे। प्रभु का वचन कह रहा है ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए, उनके मार्ग पर भी मत चलिए, उनसे मुड़कर आगे बढ़ जा।
देखिए दुष्ट लोगों के साथ नहीं रहना है, परमेश्वर कहता है कि उनको छोड़कर अपने मार्ग पे चलो, परमेश्वर के मार्ग पे चलो। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पे चलोगे तो निश्चय आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाओगे। वो जो भवन यीशु मसीह ने बनाया है उस भवन में आप भी रहने पाओगे। और अगर अभी भी आप मेरी बातों को सुनने के बाद भी आप अपने मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, बुराई को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर तो आपको यीशु मसीह आएंगे तो आपको लेकर ही नहीं जाएंगे और आपको कोई दूसरा स्वर्ग में पहुंचा भी नहीं सकता है। इसीलिए समय अभी है, यीशु मसीह अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। इसीलिए अपने आप को बदल दीजिए, अपने आप को परखिए और खुद परमेश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश करिए। पवित्र आत्मा विनती करिए, पवित्र आत्मा से वो आपको ज़रूर मदद करेंगे परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए। और अगर हम 16 आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। हालेलुया, प्रभु कहता है दुष्ट लोग क्यों गलत होते हैं, क्योंकि वो दिन भर बुरे चीज़ों में रहते हैं। जब तक वो किसी की बुराई ना कर ले, किसी के बुराई काम, बुरे सोच किसी के लिए ना रखे अपने मन में, उनको नींद ही नहीं आती। उनका एक ही काम होता है कि दूसरों का बुरा कैसे करें। इसीलिए दुष्ट लोगों की संगति करने से परमेश्वर रोकता है कि धीरे धीरे आप भी उनके जैसे बन जाओगे, धीरे धीरे आपके अंदर भी उनके जैसे काम आने लगेगा, आपकी भी नींद नहीं आएगी जब तक आप एक दूसरे की चुगली नहीं कर लोगे, एक दूसरे की बुराई नहीं कर लोगे। इसीलिए अगर आपके संगति में, आपके दोस्तों में, मित्रों में कोई ऐसा है जो बुरे संगति करता है, बुरे काम करता है, उनसे दूर रहिए। उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटिए, लेकिन उनके जैसा मत बनिए, उनसे दूर रहिए। यही प्रभु आपसे चाहता है, हमसे चाहता है, क्योंकि यीशु आने वाला है और यीशु मसीह के आने से पहले अगर हम और आप नहीं बदले, हम यीशु मसीह के संग नहीं जाएंगे। देखिए मैं बार बार आप लोगों को ये बात समझा रहा हूँ। आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को अगर मान लेंगे तो आप प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे, नहीं मानेंगे तो जब परमेश्वर आएगा और आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा तब आप इसी वीडियो को याद करके रोएंगे कि मैं काश उस बात को मान लेता। लेकिन बाइबल जो बातें बताती हैं उस बात को मानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम प्रभु के वचन के अनुसार चल पाएंगे और उसके अनुसार हम स्वर्ग जा पाएंगे। दोस्तों मैं क्यों ये सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यीशु का आना बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं। अब समय नहीं रह गया है। अगर हम दुनिया में देखें कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, महामारी आ रही है, इतनी सारी चीज़ें फैल रहा है। अब देखिए एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी बड़ी बीमारी आ जाती है, और ये सब बातें बाइबल में लिखी गई हैं। यीशु मसीह के आने से पहले ऐसी कलेश महामारियाँ फैलेंगी, तो इससे हमें समझना है, इससे हमें देखना है कि यीशु जो आने वाले हैं उनका समय हो गया है। तो अभी आपके पास समय है, अपने जीवन को बदल दीजिए, नहीं तो आप उस घर में नहीं जा पाओगे जो यीशु मसीह आपके लिए तैयार कर रहा है। और इस संसार में रखा ही क्या है, आज नहीं तो कल हम सबको तो मर जाना है, हमारा शरीर यहाँ नाश हो जाएगा, लेकिन क्या हमारी आत्मा नाश होगी? बिल्कुल नहीं, हमारा आत्मा कभी मरती नहीं, हमारे मनुष्य की आत्मा नहीं मरेगी। उसको स्वर्ग या नरक दोनों में से किसी एक जगह पर जाना है, और नरक मत जाइए, नरक तो बहुत गंदी जगह है, वहाँ पर इतना जलन, इतना दुख, इतना परेशानी है, आग का झील है वो, बाइबल बताती वो आग का झील है। वहाँ पर जो आत्मा है वो तड़पती रहेगी सदा सदा के लिए। आप इस पृथ्वी पर हमारे हाथ में थोड़ा सा गर्म पानी गिर जाता है तो कितना जलन होता है, थोड़ा गर्म तेल गिर जाता है कितना जलन होता है, सोच कर देखिए नरक में हमेशा हमेशा के लिए उस आग की झील में जलना पड़ेगा, कितना दर्द होगा तब आपको। उस दर्द से बचना है तो इस संसार के थोड़े बहुत दुख मुसीबतों को बर्दाश्त कर लो, सीख सह लो, उसके बाद अनंत काल का जीवन पाओगे। और स्वर्ग में जाओगे तो कोई दर्द नहीं, मुसीबत नहीं, बीमारी नहीं, सोचो कितना अच्छा रहेगा स्वर्ग में हम सब मिलकर जाएंगे। तो भैया मैं बार बार आप लोगों को सबको बता रहा हूँ, अपने जीवन को परखो, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलो, जो प्रभु कहता है वो मानो और इन नीति वचन के इन आयतों के अनुसार अपने जीवन को परखो। बुरे लोगों की संगति नहीं करना है, उनके साथ घूमना फिरना भी नहीं है और उनके मार्ग से दूर भाग जाना है, उनसे आगे निकल जाना है, उनको उनके साथ साथ नहीं चलना है, क्योंकि वो लोग बुराई में पड़े रहते हैं और उनको दिन भर जब तक किसी की बुराई ना कर लें तब तक उनका पेट भरता नहीं, उनकी भूख नहीं मिटती है और वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको नींद तक नहीं आती है। तो प्रभु हम सबसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। तो अगर आप भी प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, इन सारे बुराइयों को छोड़ दें, हालेलुया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सारे मसीह भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचे। और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे बाइबल से रिलेटेड वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। और दूसरों को भी इनक्रेज करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और प्रभु के आगमन के लिए हम सब तैयार हो जाए। तो आप सबका फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को संभाले और सुरक्षित रखे और आगे बढ़ाए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब लोग आशीषित रहें। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको संभाले। आमेन।